हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के डिटरमिनेंट्स यानी कि शारीरिक चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो अगर आप बोर्ड पेपर में 90% स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को कम्प्लीट शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को फटाफट तुरंत अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं शारीरिक चैप्टर से है कि मान ज्ञात करना है। कास थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कास थीटा मॉड में है, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में 18, 19, 20 और 22 लगातार 4 साल पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे आप दूसरा, ठीक ना, और तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, चौथा क्वेश्चन ये रहा, और पांचवा क्वेश्चन जो कि सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम अंत में करवाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से कम्प्लीट देखना, ठीक ना, छोड़ के मत जाना। छोड़ के जाओगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक ना। आइए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से बोर्ड के पेपर में करोगे कि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कटेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। हल, आओ इसे हम हल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक, और हल लिख के आप सभी को जिस स्टेप में बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना है एग्जाम में। यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, फिर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, इतना हमारा दे रखा है। अब हम इसे करेंगे क्या, अब हमारे करने का तरीका, ये आपस में गुणा होगा और फिर माइनस का साइन लगाकर ये आपस में गुणा हो जाएगा। इसको हम करने का तरीका क्या करते हैं, कास थीटा में कास थीटा से गुणा होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे कास थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे गुणा करो, साइन थीटा से किस में करना है, माइनस साइन थीटा में करना है, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब इसी को हल कर लेना है, आसान है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, गुणा होकर आपस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब सभी को फार्मूला ये पता होना चाहिए कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वन लिख देंगे, ठीक, हम यहाँ पे वन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चंस के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में देख सकते हो 15, 16, 18 और 20 लगातार ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 4m माइनस 3 5 इज इक्वल टू 8 तो m का मान ज्ञात करिए। इसमें क्या करना है, m का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे, आओ हल करते हैं, ठीक। क्या दे रखा है, मॉड ऑफ 4m माइनस 3 5 इज इक्वल टू 8 दे रखा है। अब हम करेंगे क्या, इसको हल करेंगे, इस वाले सारणी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 5 से गुणा होगा, क्या होगा, 4 इंटू 5 ये हो जाएगा माइनस, अब ये m इंटू माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब आओ इसे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 4 5 20, और ये माइनस माइनस प्लस 3m इज इक्वल टू 8। अब देखो होगा क्या, 3m
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा इधर आके। ठीक, तो यहाँ से आप काट सकते हो 3 चौके 12, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, -4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कई सालों से। अब आओ अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, यदि मॉड ऑफ 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 इज इक्वल टू 49, तो हमें मॉड ऑफ 6 3 -16 6 6 20 और 2 -3 12 का मान ज्ञात करना है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में लगातार पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सेम डाटा यही पूछेगा, नहीं, डाटा अलग करके भी पूछ सकता है, ठीक ना। चलो इसे हम हल करना स्टार्ट करते हैं, आओ हल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, जो हमारा साड़ी दे रखा है इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, किसका, इसको, इसका मान ज्ञात करना है, इसको लिखते हैं, है क्या मॉड ऑफ 6 6 -16 6, ये 3 है, ठीक, ये 6 20, 2 -3 12, इतना। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तंभ हैं, कॉलम हैं, C1 C2 C3, सब में हम क्या करेंगे, C1 में हम 2 कॉमन लेंगे, C2 में हम 3 कॉमन लेंगे, और C3 में हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे। ठीक, आओ कॉमन लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, फिर यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, C1 में 2 और C2 में 3 और C3 में 4 कॉमन ले लो, और कॉमन करके यहाँ पे लिख दो, जो बचा जितना कॉमन ले लिए 2, तो क्या बचेगा, 3 3 1, 3 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 -1, 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा, -4 5 3, इतना बच गया। ठीक, अब जब इतना बच गया तो इसको आपस में गुणा करवा लो, ये कितना आ जाएगा, 2 3 6 6 24। ठीक, अब इसको यहीं पे कर लो, देखो 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3। अच्छा एक बात हमको आप बताओ, सेम टू सेम सारा का सारा डाटा ये मैच कर रहा है कि नहीं, और इतने के ही बराबर क्या है 49, तो आप यहाँ पे 24 यहाँ पे क्या कर सकते हो, 24 × 49 कर सकते हो, और 24 × 49 का मान कितना आएगा, 1176। ठीक, आंसर हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक, अब आओ अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान समझना, ये थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ठीक ना, और ये बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछा गया है, 5 नंबर में हमें सिद्ध करना है इतने के बराबर ए क्यूब सिद्ध करना है, ठीक ना, इतने के बराबर ए क्यूब सिद्ध करना, आओ सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें हम LHS लेंगे, हम क्या करेंगे LHS लेंगे, अब LHS में जितना फंक्शन है उसको हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा a 2a 3a, ये हो जाएगा a+b, ये हो जाएगा 3a+2b, ये हो जाएगा 6a+3b, और ये क्या हो जाएगा a+b+c, ये हो जाएगा 4a+3b+2c, ये हो जाएगा 10a+6b+3c, इतना हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक ना, इसी तरीके से करना है। अब हम करेंगे क्या, सब में यहाँ पे देखो, C1 से हम क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे, C1 से हम यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, आओ एक कॉमन लेते हैं, ए जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपका 1 2 3, और बाकी डाटा को ऐसा ही लिख दो, a+b 3a+2b 6a+3b, फिर इसको लिख सकते हो यहाँ पे a+b+c, इसको आप लिख सकते हो 4a+3b+2c, इसको लिख सकते हो यहाँ पे 10a+6b
प्लस 3c इतना। अब हम करेंगे क्या, यहीं पे खेल होगा, ध्यान से समझो, खेल यहीं पे होगा। खेल ये होगा कि जो यहाँ पे R2 है ना, ये पक्ति R2 है, R2 को हम चेंज करेंगे किस में, R2-2R1 में। आओ चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काम है पहले से, हम यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा, यही रहेगा 1a+b a+b+c। R2 को चेंज करो, R2 को चेंज करना है किस में, R2-2R1। देखो R2 क्या है, 2 और -2R1 यानी कि 2 × R1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 का मान क्या है, 1, तो 2 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। इसी प्रकार यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इतना में से 2, इसको 2a+2b घटाओगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से 2R1 को घटाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a+b। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम कैसे किए हैं, R2 को हम क्या करेंगे, R2-2R1 किए हैं। अब इसी प्रकार R3 को भी करना है, R3 को क्या करना है, R3-3R1 करना है। इसी प्रकार आओ R3 को करो, R3 की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 को 0 करना है, यहाँ पे 3 को क्या करना है, यहाँ पे 0, तो कैसे होगा, 3 में से इसमें 3 घटाओगे तब ना आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें से 3R1 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें से 3 a+b+c से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7a+3b। ये आप करके देखना, ठीक। अब हमारे पास जो जितना डाटा बचा उसको हम लिख लेते हैं एक्सपेंड करके, तो हमारे पास बचा क्या, a कामन बचा। अब इसको इसके जगह से क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स को, पूरे सारणी को हम एक्सपेंड करेंगे। अब करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये अगर यहाँ से एक्सपेंड करना है तो ये ढक लेते हैं और ऊपर वाला ढक लेते हैं, बाकी इसको, ये जो चारों सारणी दिखाई दे रहा है इसको आपस में गुणा करा के, इसको आपस में गुणा करा के माइनस कर देंगे। अब गुणा कराते हैं, ये क्या हो जाएगा, 7a+3b में गुणा करना है ए से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7a2। आओ सबसे पहले यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, ए से करा लेते हैं 7a+3b, ठीक। -3a से करा लेते हैं किस में, 2a+b में, मेथड्स कर लेते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, a × यहाँ पे देखो 7a2+3ab, माइनस ये क्या हो जाएगा 6a2-3ab, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बचा कितना, a × यहाँ पे 7a2 में से 6a2 माइनस हो जाएगा, तो a2 बचा, तो आया कितना 1³, और यही हमारा क्या है, RHS है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक। इसी तरीके से बोर्ड के पेपर में आप सभी को हल करना है। आओ सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में समझ सकते हो 16, 17, 18 और 20 लगातार ही पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड है, हर बार पूछा जाता है कि ए इनवर्स निकालना है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आओ इसको हम हल करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 1, 2, 2-1 इतना दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी, जब 0 हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आओ चेक कर लेते हैं मॉड ऑफ ए कितना होगा, तो मॉड ऑफ ए निकालो 1, 2, 2-1, तो आपस में गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे -4 कितना निकल के आ गया -5। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक लाइन कि मॉड ऑफ ए इज डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं।
अब हम करेंगे क्या कि जितने भी मॉड ऑफ ए के को फैक्टर हैं, इसके जितने भी मॉड ऑफ ए के को फैक्टर हैं उसको हम क्या करेंगे, हम सी के फॉर्म में लिखेंगे। अब लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए के जितने भी तत्व हैं या एलिमेंट हैं, तत्वों के सहगुणन खंडों का लिखेंगे, को फैक्टर यानी कि सह गुणन खंडों से बना अव्यू, से बना अव्यू सी हो तब हो, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या होगा, सी बराबर, अब यहाँ पे देखो सी कैसे निकालोगे, तो सी निकालने का तरीका है, सी हम ऐसे निकालेंगे कि देखो सबसे पहले एक ढकोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक, तो हम यहाँ पे माइनस एक लिख लेंगे। इसी प्रकार ये वाला माइनस होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जब इसको यहाँ पे 21 करोगे तो यहाँ पे यानी कि 2 × 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस टू। ठीक, अब यहाँ पे एक आ जाएगा ये वाला। ठीक, तो हम यहाँ से सी निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है सी के परिवर्त के बराबर, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब सी का ट्रांसपोज अब कैसे निकालोगे, तो सी डैश जो होगा, अब सी का जितने भी एलिमेंट है आपस में उल्टा कर दो, आपस में क्या कर दो उल्टा, जैसे कि यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, ये जो रो है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, फिर ये ऊपर चला जाएगा माइनस टू, और ये माइनस टू नीचे आ जाएगा और ये वन का वन यहीं पर रह जाएगा, तो इतना निकल गया। अब हम जानते हैं एक फार्मूला यहाँ से, चूँकि हम ए इनवर्स बराबर ये जानते हैं कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इतना के बराबर होता है, तो अब देखो मॉड ऑफ ए का मान क्या है, माइनस पाँच, यहाँ पे क्या है माइनस पाँच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस पाँच को रखेंगे। एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये पूरा रख दो, माइनस वन माइनस टू माइनस टू वन, और डिवाइडेड बाई माइनस पाँच, और पाँच से क्या करो सब में भाग कर दो, माइनस के साथ कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो ए इनवर्स बराबर, पूरा लगा दो, ये कितना आ जाएगा एक बटा पाँच, ये कितना आ जाएगा दो बटा पाँच, ये कितना आ जाएगा दो बटा पाँच, ये कितना आ जाएगा एक बटा पाँच। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू काउंट की जाती है या फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से बोर्ड के पेपर में करते हो तो आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्प लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में करना, अपने रिश्तेदारों में करना, ठीक ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।